टेस्टी, वेरी टेस्टी, यकीन मानिए आप नहीं जानते आप लोग क्या मिस कर रहे हैं। जल्दी जल्दी किचन में जाइए और फौरन बनाकर एंजॉय कीजिए। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ फरी और आप देख रहे हैं फरीज किचन। फ्रेंड्स, मैं आज आप लोग के लिए बहुत ही यमी सी एक रेसिपी लेकर आई हूँ। ये मैंने खुद क्रिएट की है। आज मैंने बनाया है चिकन टिक्का पास्ता की रेसिपी और यहाँ मैंने बनाया है चिकन टिक्का पास्ता पिज्ज़ा प्लेट की रेसिपी। स्माइली चिकन टिक्का पास्ता पिज्ज़ा प्लेट बनाइए। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा मेरी ये क्रिएट की हुई रेसिपी कैसी लगी आप लोगों को, और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, मैं इंतज़ार करूँगी। और प्लीज़ 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 आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा वॉच किया कीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग रेसिपी है। तो चलिए देखते हैं हमने ये चिकन टिक्का पास्ता किस तरह बनाया है। तो चलिए फ्रेंड्स, चिकन टिक्का पास्ता बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्लेम ऑन करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे, ऑयल को गर्म होने देंगे। फ्रेंड्स, ऑयल गर्म हो चुका है, अब 1 टेबलस्पून लहसुन ऐड कर देंगे। लहसुन को मैंने चॉप कर लिया है। लहसुन आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर लीजिएगा, लहसुन का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है पास्ते में। लहसुन को लाइट ब्राउन होने देंगे। फ्रेंड्स, लहसुन लाइट ब्राउन हो चुका है, फ्लेम लो कर देंगे। और मैंने 300 ग्राम यहाँ पर चिकन ली है बोनलेस, इसे मैंने कट कर लिया, इसे ऐड कर देंगे। दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल फरीज किचन को सब्सक्राइब कीजिए और साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि इससे हमारी हर न्यू अपलोड सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ये देखिए, मैंने इस तरह की इतनी बड़ी बड़ी बोटियाँ कट कर ली हैं। मिक्स करेंगे। चिकन भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं, जितनी चिकन आपको पसंद हो आप ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है जितनी चीज़ें मैंने ऐड की हैं आप भी उतनी ही ऐड करें। फ्रेंड्स, अब हम चिकन को वाइट कलर आने तक भूनेंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए चिकन वाइट हो चुकी है और चिकन अपना पानी रिड्यूस कर रही है। तो ये देखिए आप, तो अब यहाँ पर हम ये जितने भी ड्राई मसाले हैं ये ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून लाल कुटी हुई मिर्चें ली हैं, 1/2 टीस्पून सॉल्ट लिया है, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर ली है, 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर टिक्के का मसाला लिया है। टिक्के का मसाला ऑप्शनल है, वैसे मैंने तमाम चीज़ें टिक्के में जो ऐड होती हैं वो ऐड की हैं इसमें। अगर आप मोस्ट बेटर फ्लेवर लेना चाहते हैं तो 1 टीस्पून टिक्के का मसाला ज़रूर ऐड करें। और 1 टीस्पून यहाँ पर मैंने ज़ीरा लिया है, उसे कूट लिया है, और 1/2 टीस्पून लाल पिसी हुई मिर्चें ली हैं, और 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर चिकन पाउडर लिया है। अगर आपके पास चिकन पाउडर अवेलेबल ना हो तो आप एक चिकन क्यूब ऐड कर दीजिएगा, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है पास्ते में। तो ये सारे ड्राई मसाले हम चिकन में ऐड कर देंगे। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिएगा, क्योंकि हमने इसके अंदर चिकन पाउडर भी ऐड किया है, तो 1/2 टीस्पून सॉल्ट भी मैंने ऐड कर दिया है। आप सॉल्ट ज़रा टेस्ट कर लीजिएगा, अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिएगा। और जो मैंने यहाँ पर स्पाइसेस यूज़ किए हैं, अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो स्पाइसेस बच्चों की वजह से थोड़े कम ऐड कीजिएगा, या थोड़ा सा सादा जो प्लेन बॉयल जो हमारा पास्ता होता है वो बच्चों के लिए उठा के रख दीजिएगा, और जब बच्चों को थोड़ी सी इसमें से स्पाइसी ऐड कर दीजिएगा और थोड़ा सा सादा ऐड करके मिक्स करके दे दीजिएगा। तो इसे हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। ये देखिए कितना अच्छा सा कलर आ गया है। फ्लेम लो कर देंगे और यहाँ पर 3 टेबलस्पून मैंने सिरका लिया है, वाइट सिरका, तो ये ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिरके का तो आपको मालूम है बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और ये सुन्नत नबी भी है। आप अपने घर में ज़रूर हर वक्त सिरका रखा करें, मैं भी रखती हूँ। और 3 टेबलस्पून सोया सॉस ऐड करेंगे। ओके फ्रेंड्स, अब ये मैंने तमाम मसाले ऐड कर दिए। इस स्टेज पर आप मसाला चेक कर सकते हैं, नमक मिर्च जो भी आपको चेक करनी हो। तो फ्रेंड्स, मेरे हिसाब से तो मसाला बिल्कुल परफेक्ट है, आप यहाँ पर एडजस्ट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर मैं लिड कवर कर देती हूँ और हम इस चिकन को मैक्सिमम 5 से 7 मिनट्स तक कुक करेंगे लो फ्लेम पर। ओके फ्रेंड्स, अब चिकन कुक हो चुकी है, हम चेक कर लेते हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से भुन भी चुकी है, चिकन टेंडर भी हो चुकी है। फ्रेंड्स, अब इस स्टेज पे मैंने बड़े साइज़ की एक शिमला मिर्च कट करके रखी हुई थी, वो ऐड कर देंगे। इस स्टेज पर अगर आप कुछ वेजिटेबल्स ऐड करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। मैंने ऐड नहीं की हैं, शिमला मिर्च इसलिए ऐड की क्योंकि बहुत अच्छा फ्लेवर देती है पास्ता में। तो बस थोड़ा सा इसे मिक्स कर लेंगे। शिमला मिर्च को हम फुल कुक नहीं करेंगे, सिर्फ 1 मिनट कुक करेंगे। और शिमला मिर्च के साथ ही हम केचप ऐड कर देंगे। केचप भी हमने 3 टेबलस्पून लिया है। केचप कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। फ्लेम लो रखेंगे बिल्कुल। मिक्स कर लेंगे केचप को। तो ये देखिए मैंने बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। शिमला मिर्च को हमें फुल कुक नहीं करना है। सब्ज़ियाँ कच्ची अच्छी लगती हैं पास्ते में। और 1-2 पिंच मैं यहाँ ओरिगानो के ऐड करूँगी पास्ते को एक थोड़ा सा ज़बरदस्त सा फ्लेवर देने के लिए। फ्रेंड्स, आज हम थोड़े डिफरेंट स्टाइल से पास्ता बना रहे हैं। इस पास्ते में चिकन टिक्के का फ्लेवर भी आपको आएगा और थोड़ा पिज़्ज़ा फ्लेवर भी आपको आएगा। तो आप लोग ट्राई करके मुझे ज़रूर फीडबैक्स दीजिएगा कि आपको कैसा लगा। तो फ्रेंड्स, ये देखिए बिल्कुल रेडी है सब कुछ। और मैं आपको यहाँ पर एक टिप दे रही हूँ बहुत अच्छी सी, कि आप जब भी पास्ता बनाएं, मेहमानों के लिए बना रहे हो या जिसके लिए भी आप बना रहे हैं पास्ता, जब आपको सर्व करना हो तो आप एक काम कीजिएगा कि इस तरीके से आप पास्ते का जो ये मेथड है ये बनाकर रख लीजिएगा। जब आपको सर्व करना हो उससे 5 मिनट पहले आप इस मसाले को गर्म कीजिए, उसके बाद आप इसमें पास्ता ऐड कीजिए। इससे ये होगा कि पास्ता आपका बिल्कुल फ्रेश बनेगा, ऐसा नहीं लगेगा कि आपने पहले से बना के रखा हुआ है, और बिल्कुल बहुत ही ज़बरदस्त स्मूथ सा फ्लेवर देगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये देखिए मैंने यहाँ पर पास्ता बिल्कुल रेडी रखा हुआ है। टाइम को सेव करने के लिए पास्ते को मैंने बॉईल कर लिया है ऑयल और नमक के साथ। तो सिर्फ 7 से 8 मिनट तक आप पास्ते को बॉईल कीजिएगा, फुल बॉईल बिल्कुल मत कीजिएगा। ये देखिए पास्ते में थोड़ी कसर बाकी है, ये बिल्कुल इस तरह करने से टूट नहीं रहा है। तो इस तरह रखिएगा, बिल्कुल फुल बॉईल नहीं, 75% तक बॉईल कर लीजिएगा। तो अब हम ये पास्ता ऐड कर देते हैं। ये पास्ता 300 ग्राम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको इस रेसिपी में 2-4 टिप्स दे रही हूँ। पास्ता आपको जब भी मतलब रेडी करना हो तो आप बॉईल करके रख लें। जब भी आपको पास्ता रेडी करना हो तो आप इसको एक दफ़ा पानी में से निकालिए और इंजॉय कीजिए। बिल्कुल ऐसा होगा जैसा आपने उसी टाइम बॉईल किया है। तो मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। अब यहाँ मैं स्पून चेंज कर लूँगी, बस मिक्सिंग अच्छी तरह कर लेंगे हम। ये देखिए कलर आप देख रहे होंगे, मसालों की क्वांटिटी, नमक की क्वांटिटी आप थोड़ा अपने हिसाब से चेक कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट रखी है। तो बस फ्रेंड्स, मैंने पास्ते को अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब मैं 5 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर लिड कवर कर दूँगी ताकि पास्ता जो हमने 25% कच्चा रखा था वो भी कुक हो जाए। तो फ्रेंड्स, 4 से 5 मिनट हो गए हैं, अब हम पास्ता को चेक कर लेते हैं। अच्छे तरीके से टेंडर भी हो गया है ये। तो बस अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने चिकन टिक्का पास्ता को डिश आउट कर लिया है। अब ये जो हमने रेडी किया है ये बिल्कुल जो हम मैंने डिश आउट किया है वो है, और इसको मैं थोड़ा सा इसका लुक भी चेंज करूँगी और इस पास्ता प्लेट का मैं फ्लेवर भी थोड़ा चेंज करूँगी। तो ये हम पास्ता प्लेट ले लेंगे, और ये जो हमारी कैजुअली जो चीज़ होती है, ये चीज़ स्लाइस नहीं है, ये जो हमारी कैजुअली जो चीज़ होती है उसे मैंने कट कर लिया है स्लाइस में। तो ये मैं इसके ऊपर रख दूँगी। इस जो ये जो प्लेट है इसे हम देंगे चिकन टिक्का पिज़्ज़ा पास्ता। तो ये हमारा चिकन टिक्का पिज़्ज़ा पास्ता तैयार हो जाएगा। इसमें हमें पिज़्ज़े का फ्लेवर भी आएगा, बहुत मज़े का। आप लोग एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये रेसिपी मेरी ख़ुद की क्रिएट की हुई है, तो आप लोग मुझे टेस्ट करके बताइएगा। आप लोग बनाइएगा फिर मुझे टेस्ट करके बताइएगा आपको कैसी लगी। तो ये देखिए ये मैंने रख दी है चीज़, ये मोज़रेला चीज़ है, और इसके ऊपर हम इसे हम स्माइली पिज़्ज़ा बनाएंगे। स्माइली पिज़्ज़ा पास्ता प्लेट, तो इस पर हम इसकी आइस लगा देते हैं थोड़ा सा बच्चों को खुश करने के लिए। थोड़ा सा मुझे अच्छा सा चटपटा सा आइडिया आया है, तो आप लोग भी ज़रूर कीजिएगा। तो ये साइड में हम
टिक्का पीसेस रख देंगे। ये चेक्स हो गए, ये नोज़ हो गई है, ये आईज़ हो गई हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब स्माइली लुक देने के लिए मैं यहाँ पर कैचअप से इसका स्माइली फेस बना दूँगी। फ्रेंड्स अब ये आपके हाथ में है, आप इस प्लेट को हंसाएं या रुलाएं। मैंने इसे स्माइली पिज्ज़ा का नाम दिया है। अब थोड़ी सी लाल कुटी हुई जो मिर्ची होती हैं ये स्प्रिंकल कर देंगे, थोड़ा सा ऑरिगानो स्प्रिंकल कर देंगे, थोड़ी सी पेपरिका पाउडर। ये सिर्फ मैं कलर के लिए ऐड कर रही हूँ, आपके पास नहीं हो तो आप नहीं ऐड कीजिएगा, मैं सिर्फ एक लुक देने के लिए ऐड कर रही हूँ। अब इस चिकन टिक्का पास्ता जो हमने पिज़्ज़ा प्लेट बनाई है इसे हम सिर्फ एक मिनट के लिए माइक्रोवेव कर लेंगे, हमें सिर्फ चीज़ को मेल्ट करना है। तो लीजिए फ्रेंड्स, तैयार है आपके लिए बहुत ही मज़े की आज की इंटरेस्टिंग सी रेसिपी। ये है चिकन टिक्का पास्ता और ये है हमारा स्वीट सा चिकन टिक्का पास्ता पिज़्ज़ा प्लेट। तो यह मैंने स्माइली लुक दिया है, आपका जो दिल चाहा वो वाला लुक दीजिए और इन्जॉय कीजिए। तो आप लोग मुझे ज़रूर फीडबैक्स में बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अब मुझे इजाज़त दीजिए, मुझे दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।